क्या है, क्या आ गया, ऐसा क्या आ गया? ओए, कहाँ जा रही हो? हाँ, ये तो लेकिन उसके बाद आगे एक और सरप्राइज है। अच्छा, यस, दो जगह जा रहे हैं। आप कपड़े सोच रही होंगे कौन कौन से? हमारे ग्राफिक डिजाइनर जो है ना, वही हमारा व्लॉग देख रहे हैं। वाह भाई वाह, ग्राफिक की जगह व्लॉग लगा दिया, क्या बात है भाई। ये ग्राफिक की जगह व्लॉग देख रहे हैं भाई। अबे सही रखा है, गलत रखा है? हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? दोस्ती हो गई इससे क्या, बत्तख से? छोड़ो उसको, छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो भाई, अभी सो के मैं उठा हूँ, और आज जो है ना यार, वो मेरा पेटू खराब हो गया भाई। डोंट नो क्यों पेटू खराब हो गया, क्या पता कल खाने में मैंने कुछ स्पाइसी खा लिया होगा, इस वजह से खराब हो गया भाई। रात में भी खराब रहा और सुबह भी खराब रहा, क्या बताऊं तुम्हें भाई। भाई जिनको है ना ये स्टमक की प्रॉब्लम, उनसे पूछो क्या होता है जब वो स्पाइसी खाने रात को। तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मम्मा बुला रही है। मम्मा के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाओ, इतने सारे गिफ्ट, ये कहाँ से गिफ्ट आ गए? ये सखर से, अपने सरगोधा से, यहाँ वहाँ से आया आपके लिए स्पेशल। हाँ, आपको देखे गया था आपकी तबीयत। सब्सक्राइबर क्या कर, इसको बंद कर दो। मम्मा गिफ्ट दे रही है, गिफ्ट खोलते, चलो आ जाओ, डू इट। रिएक्शन क्या है, क्या आ गया, ऐसा क्या आ गया? ओए, ये भाई गुड्डी आ गई है छोटी सी। ये ले लो भाई, पकड़ लो। अच्छा, फासिल के लिए गिफ्ट है। वाओ, इतना पारा गिफ्ट। ओए चले चले, ओए इधर तो भाई। उनका नाम नहीं मेंशन, पर नाम कहीं लिखाऊंगा क्या? नाम नहीं है, जिन्होंने भी दिया है, थैंक यू सो मच। जो सबसे स्पेशल चीज ना, मतलब क्या स्पेशल चीज आई ये क्या है? ये बादाम वगैरह उन्होंने खुद बनाए। पंजरी तो नहीं आ गई कहीं? ये है बादाम वाले बिस्किट जो उन्होंने खुद बनाए होंगे। और ये और क्या है? ओरिजिनल शहद, ये शायद उनके बागात के लेमन। बस सही बताओ, ओरिजिनल है यार। लेमन और लेमन से बड़े बड़े गाइस भाई, ये तो देसी चीज आ गई। ये तो ये मेरे लिए हो गई भाई। बासिल तो अपनी अपनी चीज लेके खुश हो गया है शायद, मुझे लगता है। हाँ, सब अगर तुम्हारा ना हो, मुझे तो बता, ये वाले तो मेरे लिए है। मेरे लिए नहीं हो, ये मेरे लिए भी हो सकते हैं। लग रही है ये। और इसी वाले बॉक्स में क्या भेज दिया? कोई आ गया। मैंने कहा था कि मेरे लिए कुछ लग रही, देखिए ये है मास्क तब्दर के लिए। हिंदी जो डाड़ो मजो आयो, डाड़ो मजो आयो। वाओ, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू भाई। ये मेरा रैक। आहा, पहन ले भाई, भाई पहन, ओए पहनो डालो मजो। ओए, पूरी सखावत आई है सिंध हमारे लिए भाई। कल्चरल जितना भी गिफ्ट है ना, ये उससे रिलेट करता सारा, ये सिंधी कल्चर है ये हमारा। यस, वाओ, भासिल को तो पूरा सिंधी बना देते हम। ये है सिंधी बेडशीट। मम्मा ये देखिए आपके लिए क्या गिफ्ट है। ओए मम, पूरे सखावत आ गई पूरी हमारे घर पे। क्या ये देखो ना, कितनी प्यारी है। वाओ, जबरदस्त। वाओ, वो गांव में ही होते हैं, इसलिए गांव में जो इस तरह से लोग के पास होते हैं ये पंखे, और ये जो है वो चादर, और ये ग्लाफ, झुमके झुमके ज्वेलरी वगैरह। काफी प्यारा गिफ्ट दिया भाई, थैंक यू सो मच भाई। भाई इसमें जो है ना, कहीं कार्ड नहीं था ना, उनका नाम हमें पता है, तो काइंडली अगर कभी भी कोई गिफ्ट भेजते तो प्लीज एक छोटा सा कार्ड जो है ना वो लगा दिया करो, फिर वरना अच्छा नहीं लगता जो उनका नाम लिए बगैर इतने प्यारे गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट कर लूं। तो चलो बस, तुम्हारा हो गया पूरा गिफ्ट की तरह, तुम्हारा हमारी चीजें तुमने खोल के बस तुम्हारा दिल भर गया। अपना गिफ्ट लेकर तुम जो भागे हो ना, पता लग गया तुम्हारा मुझे गिफ्ट किधर गया। भाई सर, गिफ्ट किसी और ने तो नहीं ले लिया? नहीं, ओए गिफ्ट को तो गाड़ी में बिठा दिया भाई। वाह, आ गया अपने गिफ्ट लेने, निकाल दिया बस को। ये लो, तुम्हारी गाड़ी बैठ गया गलती से, सॉरी भाई सॉरी। चलो लेट जाओ, चलो लेट जाओ। हाँ, ये बॉय पापा की बात सुनता है, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। गुड, तक्की आई है ये। ओ भाई मजा आ रहा है इसमें लेटने में। इतना जी के साथ सोएगा आज बासिल। तो भाई गिफ्ट तो देख रही, लेकिन अब जो खाने की चीज है ना वो तो जरा टेस्ट कर लेंगे भाई, कैसी है भाई टेस्ट में। तो फटाफट से ये खोलते हैं, इसमें बिस्किट है। हाँ, इसमें बिस्किट ही है भाई। खुल जा भाई, टाइट, थोड़ा सा खुल गया, थोड़ा सा खुल गया, थोड़ा सा खुल गया। और भाई किधर गया? आ गया, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया। ओए आ गया, आ गया भाई, आ गया। ओए तो गाइस इसके अंदर है भाई ये, और इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, ये कोई मीठी सी चीज है उसके ऊपर। ये है चना और साथ साथ तिल, तब खा के पता लगेगा भाई ये क्या, गुड़े या गुड़ी है। ये गुड़ है, चना और तिल वाला गुड़। कहो चना नहीं, गुड़ गिरा। अरे गुड़ इसके हजम नहीं कर पाएगा, मतलब इसके आप आगे देखो, अलग ही टेस्ट है।
मजे का टेस्ट। अब बारी है भाई शहद की, टाइबा के साथ खाने मजा आया। तो भाई अब इसको खोलते हैं, शहद को धागा लगाया हुआ, अभी धागा खोलेंगे, लेकिन फिर पैक कैसे करेंगे इस बोतल को दोबारा? अपनी बोतल में पेन घुसा रहा है मेरी टांग में, जो मैं ही खा के देखे मजे की हो रही है, मजे की है ना। पैक को थोड़ा सा खोलना डिफिकल्ट है भाई, सोच रहा हूँ उसको मैं डायरेक्ट ना ऐसे हटा के देखूँ। हाँ ऐसे हट जाएगा तो फिर ऐसा लग रहा है आपने कोल्ड ड्रिंक खोली है। फिंगर से कर लो। हाँ फिंगर से कर लो। बिस्मिल्लाह। और ये कहता शहद है भाई, तो टेस्ट बिल्कुल अलग है, खा के देखो। मम्मा को चखाएं, मम्मा चाहे चखें। ये एक होता है छोटी मक्खी का, एक होता है बड़ी मक्खी का। ये नहीं पता कौन सी मक्खी है, नहीं होगी। हम खा के देखो, जरा बताओ आपने कभी टेस्ट किया वाला शहद? गाइस मैं तो फर्स्ट टाइम शहद टेस्ट किया। ये वाला ये शहद ही है ना? ये शहद है, मजे का हो रहा है। ये छोटी मक्खी का है, मजे का हो रहा है। और क्या मतलब टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैंने बोला शायद ये कुछ और भी हो सकता है। अब हम बासिल को भी टेस्ट करवाते हैं, तो मैं काट के लाती हूँ। बासिल को शहद पर हमने ये तो खिलाया नहीं, बासिल को वो नींबू टेस्ट करवाना है। को लग रहा है ये बॉल है, तो इसको पकड़ ले, खींच रहा है खींच रहा है। अब जो इसको काट के खिलाने वाले बस हम। ये रही खा लो दी, ये वो कट्टा होता है भाई, मजे का आवाज भी अच्छा। इसको तो अच्छा लगेगा ना, कट्टा कट्टा बच्चों को तो अच्छा लगता है। गले जोड़े ना आ जाए बस, ज्यादा नहीं सुबह इसको मजा आ रहा है। उसको और चाहिए। ओए सारी चीजें माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त और हाथ से बनी हुई है। ये सब मशीन मेड भी हो सकती है? नहीं नहीं, हैंडमेड है, हाथ से बना हुआ है ना ये, ये तो मशीन का नहीं है। सो भाई फटाफट से मैं फ्रेश हो गई हूँ और आज का दिन बहुत हबर दबर में गुजरेगा क्योंकि मैंने पैकिंग करनी है। आप लोग सोच रहे होंगे पैकिंग, हम लोग जा रहे हैं घूमने फाइनली बासिल के साथ। ना माज मुझे कहीं भी लेके नहीं जाते क्योंकि बासिल बीमार हो जाता है, अर्जेंट हमें कहीं जाना पड़ रहा है। तो वो आप लोगों को आगे के ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अब बासिल गया है नानी के घर में क्योंकि मुझे पॉलर जाना था, हमने एक एंगेजमेंट भी अटेंड करनी है रिलेटिव की। तो फिर हम जल्दी जल्दी पैकिंग करेंगे, उसके बाद पॉलर जाएंगे, फिर तैयार होंगे और फिर जाएंगे एंगेजमेंट में। तो भाई फटाफट से मैं करती हूँ पैकिंग। आपको पता है हम लोग जा रहे हैं? बताएं कौन कौन जा रहे हैं, ये भी नहीं पता आपको? मुझे भी मालूम है। आप, मैं, बासिल और मास भी जा रहे हैं। हाँ आप जल्दी जल्दी पैकिंग कर लें, जल्दी जल्दी पैकिंग कर लें, टाइम नहीं है। हम इतनी इमरजेंसी में बोल दिया तो माज ने मुझे इतनी इमरजेंसी में बताया कि बस हमारी कल की फ्लाइट है और मैंने बस मैंने भी अभी पैकिंग करनी है। चलो भाई मेरे कपड़े तो सामने ही रखे हुए होते हैं। एक बैग सबर मेरा है, एक बैग सिर्फ बासिल का है। तो एक जगह बस मेरे कपड़े आ गए, एक जगह सबा के कपड़े। तो आपका बैग कब रेडी हो रहा है? मेरा वहाँ रखा हुआ है अभी, कपड़े नहीं निकाले। सरप्राइज कर दिया मैंने तो सबा को, मैंने रात में ही बताया था कि हम लोग जा रहे हैं। ये तो पता लगे कहाँ जा रही हो। हाँ, ये तो लेकिन उसके बाद आगे एक और सरप्राइज है। अच्छा यस, दो जगह जा रहे हैं। आप कपड़े सोच रही हूँ कौन कौन से, समझ में नहीं आ रहा। मतलब थोड़ी सी हिंट ले लो, थोड़ी सी हिंट ले लो। मतलब मोटे कपड़े नहीं आना क्योंकि वहाँ पर सर्दी भी है। मतलब हाँ सर्दी तो खैर होती है, अभी लाहौर भी सर्दी है, इस्लामाबाद भी सर्दी है। फटाफट से भाई मैं भी रेडी हो चुका हूँ, ये लोग तो जा रहे हैं भाई सारे पॉलर। तो कि आज जो है ना वो मॉम के घर में जो है ना वो इवेंट है, तो भाई जब मॉम के घर में इवेंट हो तो फिर तैयारियां तो जोरों शोरों से चलती हैं। तो ये लोग जाएंगे भैया के साथ और आएंगे आपके साथ। ओके, और गाइस पैकिंग शेकिंग भी डन हो गई सारी, लेट्स गो। पूरा नहा गया परफ्यूम में यार, मैं काफी फ्रेशिंग सी जो है ना इसकी स्मेल है यार। तो गाइस आ चुके हैं ऑफिस में और काम शाम हो चुका है भाई, और साथ साथ हमारे ग्राफिक डिजाइनर जो है ना भाई हमारा व्लॉग देख रहे हैं। वाह भाई वाह, ग्राफिक की जगह व्लॉग लगा दिया, क्या बात है भाई, ये ग्राफिक की जगह व्लॉग देख रहे हैं भाई। अबे सही रखा है गलत रखा है? गाइस हमने जो है न्यू ग्राफिक वाला रखा है। ये सही रखा है तुमने यार ग्राफिक वाला। गाइस ऑफिस 3-4 बजे आया, 8:30 हो गए भाई, कॉल आ रही है घर से कि भाई कब चलोगे शादी में, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, रेडी शेडी भी होना है। रथ छड़ो भाई, रथ छड़ो, रथ छड़ो यार। साथ साथ हम जो है गाइस मैच भी एंजॉय कर रहे हैं, मैच ही अपडेट ही मिल रही है हमें, बस जल्दी जल्दी रश खत्म हो जाए यार। बस 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 भागो 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 भागो। गाइस मम्मा तो रेडी होंगी। अबे फरिये जल्दी आ गए आप। अबे सॉरी यार ऑफिस पे काम शाम होता है यार काफी यार। मॉम भी रेडी होके बैठी है भाई, वाह भाई वाह, हम सॉरी लेट हो गया गाइस, बाकी जो सब चले गए सिर्फ मॉम और फरिया बची हैं। फटाफट से हो गया भाई मैं रेडी, यहाँ पर डरे लग रहे हैं हम दोनों भाई, बताओ गाइस मॉम और मैं, तो लेट्स गो शादी। देख के गिर ना जाओ। चलो बैठो 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 बैठो, बस सही से बैठ बैठ गई। तो गाइस हम भैया को कॉल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग तो पहुंच गए और भैया तो अभी तक आया ही नहीं, भैया की गाड़ी नहीं खड़ी हुई, तो हमसे पहले क्या निकला वो और हम पहले पहुंच गए। भाई किधर हो? आ गए तुम? पहुंच गए हम लोग तो भाई गली के अंदर। हाँ हाँ वही आए, आ गए तुम अंदर?
तुम्हारी गाड़ी तो नहीं खड़ी दिखी मैंने? ओ पीछे खड़ी, पीछे खड़ी, दिख गई दिख गई दिख गई। चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स। अबे 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 तुम लोग तो मेरे से पहले ही आ गए बे यार। अबे तुम इधर था, लग रही थी बहुत। मैं भूख लग रही थी क्या पहले? ये मुझे जल्दी नहीं आया कि चलो भागो ना, तो बड़ा टाइम भी खुलेगा जितनी भी भूख लगे तुम लोग को। तुम लोग खाने के लिए आए शादी में क्या? वही तो सबसे बड़ी गलती करती, लेट आना चाहिए था। खाना खाया हुआ है एक केक, तीन केक रस और चाय बस सुबह का। अबे डमाडू, सुबह कब खाया तुमने? शाम में खाया तो शाम में उठाया डमाडू। एक बजे डेढ़ बजे खाया। अबे तो गाइस पहुंच चुके हैं भाई इवेंट में, काफी ज्यादा पंखे लगे हैं भाई, हवा आ रही है, वैसे भारी भाई जब ठंड हो रही है। एंगेजमेंट नहीं है, शादी नहीं है, मुझे लगा था शादी है भाई लेकिन एंगेजमेंट है। आ जाइए भाई 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 पापा का 1 2 3 आए भाई माशाल्लाह भाई। मम्मा क्या बना के लेकर आई है भाई? मम्मा और बाकिल दोनों प्यारे लग रहे भाई। असल में इसको नानी के ना बहुत ज्यादा मजा आता है, दिल ही नहीं करता कि नानी के तो वापसी आए। बचपन में हम लोग का दिल भी नहीं करता था, छोटे में आता है। अरे भाई रोटी खुल गई शफीक अहमद। ओए गाइस आई थिंक सो कढ़ाई है कोरमा और इसके साथ साथ बिरयानी। वो क्या हो गया? ओ भाई पहला अटैक इसने कर दिया भाई। खाना 11:30 बजे खुल रहा है। पाप क्रूज के कराची की शादी में कब खाना जल्दी खुलेगा यार? 9 बजे आए थे हम लोग भाई। तो गाइस खाते हैं फटाफट से खाना यार। कितनी प्लेट है भाई भैया ये? चलो 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 लेट्स गो गाइस। खाना वाना भाई खा लिया है और टाइम काफी हो जाता है शादियों में ना यहाँ पर। तो और मॉम आई थी हमारे साथ और जा सब आ रही है वापसी, और बासिल भी जा रहा है भाई। एक्स्ट्रा पैक को नहीं आ रही है? बहुत तंग किया भाई, ये बहुत तंग करता है। एक तो बंदा तैयार हो, इतना हैवी सूट पहना हो, मेकअप करा हो, बासिल के साथ कुछ भी वो नहीं हो सकता। शरारती तो है ना, होता है ना बच्चे मासूम बिल्कुल चुपचाप। अल्लाह ताला मुझे अगर दूसरा बच्चा देना वैसे देना मासूम सा। हाँ बिल्कुल चुपचाप। हाँ ऐसा ऐसा ही है। लेकिन पता है क्या उसके लिए? वो तो कर लिए लेकिन अल्लाह ताला कबूल करे, उसके लिए माँ भी शरीफ होनी चाहिए। अब माँ देश होगी तो बच्चा तो होगा देश। बाप शरीफ है, बाप की तरह हो सकता है? बाप की तरह ना हो तो शरीफ होना पड़ेगा। आप शरीफ हो, बटक में भी तो टपक नहीं शराफत देखो तो। चलो यार चले बस घर यार, ऐसे ही होता रहता हमारा। पहुंच गए जी घर, चलते हैं भैया ऊपर फटाफट से और कपड़े भी चेंज करके सोते हैं गाइस। यार टाइम हो जाता है यार व्लॉग बनाते बनाते, वो सुबह स्टार्ट करो वो रात का 1 बज जाता है, घर आते आते काफी एफर्ट लगती है भाई व्लॉगिंग में यार, डेली व्लॉगिंग में। अगर व्लॉग जो है आपके वो सुबह से शुरू हो रात को खत्म हो, वरना व्लॉग जो है ना वो 10 मिनट भी बन सकता है, 20 मिनट भी बन सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा व्लॉग पूरा दिन का बने, कि मैंने पूरे दिन में क्या किया। सो उसके लिए एफर्ट लगता है। लाइक मस्त कर देना, कमेंट मस्त कर देना, शेयर मस्त कर देना, सब्सक्राइब मस्त कर देना चैनल को। इस व्लॉग की वजह से एंड करते हैं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा व्लॉग को। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Oh,